इससे पहले भी आपने कभी इसमें शिरकत की है? यस सर। कब? 2022? मैं 2022 में भी जो भी मैराथन होती है मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं जब 8th क्लास से मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ऐसे हमारे लाठी के इवेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, स्टेट होती है, नेशनल होती है, उसमें तो मैं करती हूँ। वो इवेंट है मेरे 1500 मीटर और 3000 मीटर। IAS बनना है और इसमें एथलेटिक में ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक में जाना। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जम्मू मैराथन 2023 का इनाकाद करवाया गया और इस जम्मू मैराथन में जो फीमेल्स थी उनकी रेस 10 किलोमीटर थी, जबकि जो मेल्स थे उनकी जो रेस थी वो 21 किलोमीटर थी। लेकिन इस वक्त रियासी की एक होनहार बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इस जम्मू मैराथन 2023 में 3rd प्राइज हासिल किया। इनसे हम बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? शमशाद बानो। कैसा लग रहा है ये प्राइज जीत के? बहुत अच्छा लगा। प्राइज कितने पार्टिसिपेंट्स कितने थे लड़कियों जो फीमेल्स थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 200 थे। 200? यस सर। 200 में से आपने 3rd प्राइज लिया? यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करामत अली है। करामत अली। हाँ। आप भाई बहन है? हाँ भाई बहन है। आपने क्या जीता? मैंने तो जीता कुछ भी नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट किया। मेडल तो लाया ना? हाँ मेडल लाया। मेडल लाया ना। हाँ। कैसा लग रहा है? क्या कुछ सीखने को क्या मिला इस जम्मू मैराथन में? सीखने का तो बहुत कुछ मिला, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हम तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। फर्स्ट प्राइज भी ला सकते हैं हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। कब जम्मू में कब आए थे आप? मैं जम्मू में आई थी 2009 में। इधर ही जम्मू की रहती? अब जम्मू में ही सेटल्ड है? हाँ मैं जम्मू में ही रहती हूँ। फैमिली मेरी जो है वो रियासी में रहते हैं सब, मैं बूजी के पास जम्मू में ही रहती हूँ। यहीं पे आपकी स्टडी वगैरह चल रही है? स्टडी यहीं पे हुई है। एम क्या है? जिंदगी में करना क्या है? IAS बनना है और इसमें एथलेटिक में ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक में जाना है? यस सर। देखिए बहुत ही अच्छी सोच है इस बच्ची की, IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, और जिस तरह से इन्होंने 3rd प्राइज आज लाया है काफ़ी खुशी की बात है। जब दूर दराज इलाकों से इस तरह से बच्चियां इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के जो है मेलों में शिरकत करती हैं और फिर अपना नाम जो है वो रोशन करती हैं। मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी आपने कभी इसमें शिरकत की है? यस सर। कब? 2022? मैं 2022 में भी जो भी मैराथन होती है मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं जब 8th क्लास से मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ऐसे हमारे लाठी के इवेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, स्टेट होती है, नेशनल होती है, उसमें तो मैं करती हूँ। वो इवेंट है मेरे 1500 मीटर और 3000 मीटर। देखिए बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को इस तरह के मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? बेटियों को रोकना नहीं चाहिए और बेटियों को भी ये करना चाहिए कि पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि हमारे बच्चे ऐसे कर सकती है, हमारी बेटी आगे बढ़ सकती है, आगे जा सकती है। तो हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, आगे आने देने चाहिए उसको, वो आगे आके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। जब आपने ये प्राइज लिया उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात हुई? यस सर हुई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो मुझे कहा कि आगे भी हम कभी तुझे वो नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे जाने के लिए, हमेशा हमारी सपोर्ट तेरे साथ है, हमेशा सपोर्ट करेंगे तुझे। आपकी सिस्टर ने 3rd प्राइज़ जीता, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत खुशी है कि आगे भी पार्टिसिपेट करेगी, जो भी कोई एथलेटिक में मैराथन में जो भी पार्टिसिपेट होगा उसमें पार्टिसिपेट हिस्सा लेंगी। सपोर्ट पूरी करते हैं आप? हाँ पूरी सपोर्ट करते हैं। ये पूरी सपोर्ट? यस सर पूरी सपोर्ट है। मेरे बड़े ब्रदर्स हैं दो, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। बाकी फैमिली? फैमिली भी पूरी फुल सपोर्ट करती है मुझे। चलें ये जम्मू मैराथन 2023 का इनाकाद जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से किया गया और रियासी की इस बच्ची ने जो है वो 3rd प्राइज़ हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पेरेंट्स इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों को हो तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चों को नहीं मिल पाती है, और एक अच्छा एम लेकर ये बच्ची निकली है। इनका एम है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इनकी हर नेक तमन्ना जो है वो पूरी करें।